ओह तो ट्रेन आने में अभी कितने मिनट है? 7 मिनट। तो 7 मिनट में हमारी ट्रेन आ जाएगी यहाँ पर। हेलो, मैं हूँ मनोज और स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लॉस्ट ट्रैवलर मनोज ब्लॉग में। और आज है 7 अक्टूबर, शुक्रवार का दिन, और सुबह के इस वक्त बजे हुए हैं 8:20, और हम निकल रहे हैं इस वक्त अपने घर से पार सड़क के लिए, और वहाँ से हमें पकड़नी है हल्द्वानी वाली गाड़ी। तो अभी हम जा रहे हैं हल्द्वानी, सुनील और मैं। फिर फ़िलहाल हल्द्वानी तक का सफ़र है, उसके बाद बताते हैं आगे कि कहाँ जा रहे हैं। तो आज स्कूलों की छुट्टी है क्योंकि मौसम विभाग का हाई अलर्ट है आज, रेड अलर्ट उत्तराखंड में, क्योंकि रेड अलर्ट होता है बहुत घनघोर बारिश होती है तो उसके लिए रेड अलर्ट होता है। तो रेड अलर्ट है आज, और कल शाम से ही काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और अभी भी मौसम सुहावना बना हुआ है। अभी हालांकि बारिश रुकी हुई है। तो दोस्तों, फाइनली काफ़ी देर के सफ़र के बाद पहुँचे हैं अभी अल्मोड़ा, और यहाँ थोड़ी देर के लिए गाड़ी रुकी है लगभग 10 मिनट के लिए मिठाई उठाई लेने के लिए। लेकिन रोड की हालत तो इतनी ख़राब हो रही है, पूछो मत, पूरे कमर की वाट लग गई है रोड, कमर खड्डे ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ पर। तो अभी और काफ़ी देर लगेगी हल्द्वानी पहुँचने में। पर जो है खाना खाएंगे क्योंकि 5 घंटे हो चुके हैं सफ़र करते हुए। सवेरे 9 बजे हम गरुड़ से निकले थे, इस वक्त 2 बज चुके हैं, तो लगभग 5 घंटे हो चुके हैं। तो यहाँ से हल्द्वानी पहुँचने में लगभग 2.5 से 3 घंटा और लगेगा। रोड की वजह से भाई कमर के लिए बेल्ट लगा रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी गड्ढे ज़्यादा हैं, रोड कम, पूछो मत, मतलब यहाँ की रोड ऐसी हो रखी है कि अगर आप कमर के रोगों से ग्रस्त नहीं हैं तो आपको कमर के रोगों से ग्रस्त
बना देंगी ये रोडें अगर आप लगातार सफ़र करते हैं साल में, हमारा तो कभी कभी होता है। तो अभी यहाँ पर खाना आना खाते हैं, भूख भी लग चुकी है। तो मौसम आज काफ़ी अच्छा है क्योंकि पूरा दिन जो है बारिश ही हो रही है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी, काफ़ी हैवी रेन नहीं हो रही है, जिसकी वजह से रोड ज़्यादा ख़राब नहीं हुई है, कीचड़ भी नहीं है, हल्की फुल्की रेन हो रही है, धूप बिल्कुल भी नहीं है, तो मज़ा आ रहा है सफ़र करने में। तो चलते हैं, पहले खाना आना खाते हैं और काफ़ी अच्छा सुंदर सा नज़ारा है पीछे का। खाना तो खा लिया है और अभी और लोग खाना खा रहे हैं। अभी खाना खाने के बाद थोड़ा सा मैं घूम रहा हूँ और मौसम देख सकते हैं आप, पीछे पहाड़ी में देखो पूरे बादल लगे हुए हैं और ऐसा ही है आज सवेरे से मौसम। कल रात शायद 11 बजे के आसपास से बारिश शुरू हुई थी और तब से हल्की फुल्की बारिश लगातार ही हो रही है। तेज़ बारिश तो नहीं है, अगर तेज़ होती तो थोड़ा परेशानी हो सकती थी सफ़र करने में, लेकिन वैसे उत्तराखंड में रेड अलर्ट है आज 5 जिलों में, तो ये तो खैर वो ज़िला नहीं है जहाँ रेड अलर्ट है, वो चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, नैनीताल, ये ज़िले हैं। तो अभी यहाँ से लगभग 2 से 2.5 घंटे और लगेंगे हमें हल्द्वानी पहुँचने में। तो अभी थोड़ा सा घूम रहे हैं, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। स्टैंड पर लगभग 7 घंटे का ख़तरनाक पहाड़ी सफ़र, जिसमें रोड कमर गड्ढे ज़्यादा हैं, पूरे कमर की हालत ख़राब हो चुकी है यहाँ पहुँचते, लेकिन थोड़ा जल्दी पहुँच गए हैं। अगर हम 6 बजे के आसपास पहुँचते तो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि हमारी ट्रेन जो है 8 बजे के आसपास है। तो अभी लगभग हमें 3.5 घंटे स्पेंड करने हैं, देखते हैं कहीं आसपास। यहाँ आसपास एक पार्क थे जहाँ पापा पहले ले जाते थे जब मैं छोटा था और उनके साथ आता था, लेकिन मैंने बहुत बार ढूंढने की कोशिश की, मुझे मिले नहीं है, देखते हैं आज अगर कोई मिलता है तो। पार्क मिल चुका है मुझे, बस हल्द्वानी के बस स्टैंड से लगभग 100 मीटर अंदर की ओर है, जो कपड़े वाली गली है उससे बस 100 मीटर आगे जाकर ये पार्क है। और काफ़ी अच्छे पेड़ पौधे हैं यहाँ पर, आप के पास अगर समय है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो अभी हमारे पास बहुत सारा समय है और हम सर्च कर रहे थे गूगल पे मटर गली, लेकिन मटर गली हमें मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ है, पर मेरे हिसाब से वहाँ पर मार्केट जो है शनिवार को ही लगती है, शनिवार या इतवार को ऐसा बताया था। तो लगभग 1-1.5 घंटा और स्पेंड करना पड़ेगा हमको यहाँ पर, क्योंकि 7 बजे खाना खाएंगे तो उसके बाद जाएंगे रेलवे स्टेशन की ओर। तो थोड़ा सा चल के अच्छा महसूस हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि लगातार 6 घंटे से गाड़ी में बैठे बैठे बिल्कुल शरीर के सारे हिस्से जाम हो गए थे।
लगभग 3 साल बाद मैं हल्द्वानी आ रहा हूँ। आखिरी बार जब मैं हल्द्वानी आया था 19 अक्टूबर को मासी हाफ मैराथन थी, और वहाँ से हम 20 को वापस आए थे। 19 को मासी हाफ मैराथन थी, 19 को ही हम वहाँ से वापस आए थे। 20 को मैं आया था हल्द्वानी, 20 अक्टूबर 2019 को। तो लगभग 3 साल बाद हल्द्वानी वापस आ रहा हूँ मैं। अभी 5:30 बज चुके हैं और शाम हो रही है, हल्की हल्की लाइटें भी जलने लगी हैं। तो मैं बता रहा था कि लगभग 3 साल बाद मैं हल्द्वानी आ रहा हूँ। जब आखिरी बार आया था तो मैं मेरठ गया था उस टाइम पे किट बनवाने के लिए और क्रिकेट की मैट हैट लेने के लिए। तो 20 अक्टूबर 2019 था, उसके बाद इंजरी हुई हो गई थी कमर की, तो इस कारण से इधर की ओर आना नहीं हो पाया था। लेकिन नैनीताल तक हम आए हैं बहुत बार, लेकिन इधर जो है हल्द्वानी 3 साल बाद आना हो रहा है। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पर, और ट्रेन आने में लगभग अभी 1.5 घंटा है। तो 1.5 घंटा हमें और वेट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है हरिद्वार के लिए। तो जब ट्रेन आती है फिर उसके बाद दिखाते हैं आगे का सफर। तो ट्रेन आने में अभी कितने मिनट है, 7 मिनट। तो 7 मिनट में हमारी ट्रेन आ जाएगी यहाँ पर। लगभग 4 बजे पहुँच गए थे हम हल्द्वानी, और तब से लगभग पूरे 4 घंटे वेट किया है हमने।